गलत काम करते हुए पकड़ा गया। फिर जो शहर के और लोग, उन्होंने पकड़ लिया कि हाँ, ये मौलवी ऐसी ऐसी हरकतें करता है। अब पुलिस में जाने के लिए बोले कि हाँ, पुलिस में ले जाओ। फिर बोले कि नहीं, इससे कौम की बदनामी होगी, इससे अच्छा है इसको वार्निंग करके छोड़ देते हैं। तो वार्न करके छोड़ दिए। ये हाल है मुसलमानों की। हाँ, यही हालत है। ये अजाब नहीं है। अभी दिमाग में दौड़ाया जाए ना, दिमाग दौड़ाया जाए कि इस्लाम के जो तरीके हैं, का कितने आदमी उस तरीके चल रहे हैं। अभी दीन से तो बिल्कुल फिर चुके हैं। बताओ, जो ऐसे जो है रहनुमा जो है दीन के, ऐसे ऐसे काम करेंगे, अगर मदरसा जो है बदनामी नहीं होगी तो क्या होगा? दीन कहीं बचा है? कुछ भी नहीं बचा। अच्छा, आपके यहाँ ऐसी कोई घटना हुई है क्या? हमारे आस पास तो नहीं सुनने में आया है, लेकिन और बाकी सोशल मीडिया पे देखो, हर जगह देखो। अभी एक पकड़ा गया था, वो दिया था तो क्रैचिंग था। अभी वो इतना मौलाना जैसा था, मौलाने का कार्य था वो लंबी हाँ। और दाढ़ी बढ़िया रखे था, चेहरा नूरानी था। और वो जो लड़की जो पढ़ा रहा था लड़कियों को मदरसे में, एक लड़के बिल्कुल गोपी थे, बहरे थे, उसके साथ जो रख गया। उसके दीवार जो था आपके उसके कमरे में चला गया, पता नहीं कैसे। वो देखा होगा कि मेरी ये घर वाले दूर होंगे तो वो जाके जो है वो बोल नहीं पाएगी कुछ। तो उसके साथ ऐसे उसने तो है मतलब उसका रहनुमा रेप तो। कर दिया हाँ, उस बेचारी का। बलात्कार कर दिया उसका। वो जो है सोशल मीडिया पे डाला था, तभी देखा मैं उसको। अरे रे रे, ये हालत तो अब ऐसे हो रहे हैं हमारे जो है। वो बहुत फेमस वो था, क्या नाम था, अभी वो जर्जी संसारी को सुने हो कभी? जर्जीत अंसारी और क्या हाँ, वो जो बैठा मौल, हुआ हाँ, और इतना फेमस था ना वो, ना लोग जो मुसलमान है वो हिंदुओं को दिखाते थे कि देखो हमारा मौलाना संस्कृत पढ़ता है। वो संस्कृत बोलता था वो मौलवी। पुराण के भी उनको जानकारी है, और जो है बहुत खुला बोलते, डरते नहीं। हाँ, वो अभी है। वो जो है इसी वजह से फंसा दिया, रैप के आदमी उनको भी फंसा दिया था। अरे, उसका फंसा नहीं है, उसका तो ऑडियो 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 जो है ना, वो वायरल हुआ था उसका। तो हाँ, जर्जी से रियलिटी थे कि ऐसा किया था? रियलिटी है। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना मौलाना जर्जी अंसारी जो है, वो वायरल वीडियो या ऑडियो, तो पता चलेगा। एक लड़की थी जिससे वो बात करता था, और उसको, उस लड़की को वो ये झांसा देता था कि मैं तुमसे निकाह करूंगा। और उसके साथ जब भी कहीं वहां जहाँ टूर होता जाता था, उसके साथ वो गलत काम करता था। तो उसी लड़की ने उसकी अच्छा, रिकॉर्डिंग करी और वो कोर्ट में जाके उसको बोला, तो उसको फिर सजा हुई 10 साल की। मौलाना तो कह रहा था कि ये झूठ है, मैं उनको जो है फंसाया जा रहा। मैं कभी उसके साथ गया ही नहीं, उसके घर भी नहीं गया। अब आप ये चोर बढ़ते वाले हो, पता अब आप चोर हो और आप चोरी करते पकड़े गए, बोलूंगी आप चोर हो तो आप थोड़ी बोलोगे मैं चोर तो हूं। बस अल्लाह रहम करे। मतलब अब किसी मौलाना आलिम या किसी के ऊपर, आम आदमी फिर सही है, लेकिन मौलाना आलिम से जब बात करो ना, उनके पास बैठो, उनके तरीके देखो ना, तो बस बिल्कुल जो है आम आदमी से ज्यादा बिगड़ चुके हैं। अरे पूरे मौल, मतलब पूरी हाँ उनकी तो आप हाँ हाँ लोग कैसा रहते हो? वहां डर नहीं लगता? अब यहाँ की बात तो खैर छोड़ो, लेकिन बात ये कि अल्लाह हमारा साथ देता, लेकिन अगर हमारे खुद के जो आलिम है, जो उलेमा है, वो दीन ईमान पर रहते, तो अब हमारे यहाँ के तो एक से हर 10 में से जो ज्यादा नहीं तो 8 8 जो आलिम है ना, वो सब गिरे हुए, उनका चरित्र सही नहीं है। 100 में 1 सही मिलेगा। सौ में अगर एक सही से देखो ना, 100 में 1 मिल जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जी। तो ये हालत तो हमारे इस्लाम की कर रखी इन लोगों ने, इसलिए तो मोरक्को में भूकंप आ रहा है। और ये इसीलिए तो आ रहा है भूकंप। अभी तो मोरक्को में आया और वो लीबिया में आया तूफान, और उसके बाद 2 जगह भूकंप और आया में था, और उसी जगह कहीं था। तुर्की दो तुर्की देश में मतलब ये 4 दिन में दो जगह आया था, तो ये जो है कंट्री में सारा आया था। इसीलिए तो अल्लाह ताला दिखा रहे हैं जब कि हाँ मुसलमान जो है डर जाए, दुनिया का कितना दो सही बात है। जा भी तो। अजाब यही, वरना गैर मुस्लिम कंट्री में आता, लेकिन नहीं, मुस्लिम कंट्री में आ रहा, मतलब कि मुसलमान इस्लाम पे चल नहीं रहे, अभी मतलब है ना। नहीं चल रहे, इसीलिए हम भगवानों के ऊपर है हमारा। ये जी, अल्लाह के क्या कहना है कि जब पूरा काम कोई करे तो उसके खिलाफ जिहाद करो, उसमें भी तो हुक्म दिया है ना कि हाँ तुम इतना जुल्म ना करो।
अभी तो आदमी थोड़ा अभी जान बचा के बैठो, बस डरो 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 भाई, तुम्हारे बीबी हैं बच्चे हैं। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे क्या उनके बीबी बच्चे नहीं थे, या सहाबा थे क्या उनके बीबी बच्चे नहीं थे? सही बात जब अल्लाह ताला जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुक्म दिया उनको सहाबा को मस्जिद नबवी में बैठे थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको हुक्म दिया कि जाओ दीन पे लो, तो अपने घर के कभी ना पता है मेरा मन क्या करता है पता है, कभी तो मेरा मन करता है कि ना कि मैं जंग के लिए मतलब निकल जाऊं हथियार लेके, कभी तो मेरा मन ऐसा करता है। कुछ क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं नहीं आ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, क्या बोले थे? मेरा भी दिल यही करता है कुछ करके मरे, सही बात है। ऐसे जिल्लत की जिंदगी से मरते थे तो वो शहादत की जिंदगी अच्छी, शहादत की जिंदगी कुछ अच्छी फायदा है। नहीं। सही बात है। अब देखो ना हमारे शरीयत को पूरा जो है वो मिल के बैन कर दिया, 3 तलाक बैन कर दिया, बुरका बैन कर दिया, सही बात है, नकाब के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, वो बताओ नंगे घूम रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको वो कोई जो दिक्कत पहन नहीं है, के बताओ। वो नहीं अब कोई लड़की जो होता। वो अपने आप को ढक के जाना चाहती, कॉलेज स्कूल में भी अगर कोई लड़की जाना चाह रही है तो उसके लिए भी नहीं, ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड, तुम बुरके में नहीं जा सकती, ये कोई बात हुई? ये तो हमारे शरीयत को बैन किया जा रहा है यहाँ पे। तो शरीयत पर बहन ही तो कर रहे हैं, वो क्या है, इस्लाम से मतलब मिटा रहे हैं इस्लाम को, हाँ लेकिन हमारे इस्लाम को शरीयत में मिटा क्या रहे। है कि जहां भी जिस जगह भी अगर शरीयत को रोका गया तो वहां पे मुसलमानों पे ये फर्ज हो जाता है कि वहां पे वो जंग करे, लेकिन हमारे यहाँ के मुसलमानों के देख हाँ मर चुके हैं ना मुसलमान भी, जिंदा थोड़ी है, जिंदा थोड़े कहते हैं। नहीं अल्लाह ताला जो वसल्लम फरमा गया है ना, जब तक तुम जिहाद करोगे जब तक तुम्हारा ईमान जिंदा है। सही अभी बात तो है, इंजाम जिहाद तो छोड़ो, एक आदमी अगर डांट देता है तो दूसरा बोलता नहीं, सही सिमट बात के है, बैठ जाते हैं। सही है वो जी नहीं, जी वो अभी बताओ जो है 4-4 करोड़ 3-3 करोड़ की पूरी पूरी कंट्री है, एक एक देश बना पड़ा, हम आज 25-30 करोड़ है इंडिया में, तो हम चूहे भी जैसे रह रहे हैं, दबे पड़े। हाँ तो सही बताओ है, इतना आदमी अगर एक बार उठ के खड़ा हो जाए तो इनके औकात है कि जो है ये बोलेंगे? तो जी सही बोल रहे हो आप। मेरा तो मन करता है कि मैं जिहाद लेकिन भयानक तरह से कर दूँ, मेरे अंदर कोई जी। मतलब रहनुमा होना चाहिए, कोई राह दिखाने वाला होना अरे चाहिए, तो ऐसे हमारे रहनुमा भी तो, हमारे रहनुमा जो है वो भी तो बिके हुए हैं, बिक चुके हैं, सबको पैसा चाहिए बस, कुछ पैसे करेंगे, चाहिए। कुछ होगा, डोनेशन ले लेंगे, खाए पिएंगे, अपना गाड़ियों से चल रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं, सब आराम कर रहे हैं, बस ये और क्या है, आज बस हाँ पैसे की तरफ भाग रहे हैं, दुनियादार की है, दीनदार की और नहीं। मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो काफिरों के साथ जा रही हैं। मित्रों के साथ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, उनको दीन का कुछ पता ही नहीं है कि हमारे दीन में क्या सिखाया गया है। नहीं बताओ जो दीन जिसको मालूम है ना उसको बोटी बोटी काट के फेंक दो, लेकिन काम जो है काफिर हो जाएगा, नहीं होगा। हम हाँ तो कहते हैं हमारी बॉडी काट के फेंकते हैं, आग में डालते हैं, हमको तो हम तो नहीं उठते, दिन बदले अल्लाह हाँ लेकिन अब देखो ना। एक उसी मौलाना जो पकड़ा गया था मौलाना, उसी का एक बयान बहुत फेमस हुआ था कि कोर्ट में 10 लाख से 30 लाख या 10 लाख बोला था, उससे ज्यादा जो है ना वो पिटीशन वो आवेदन पत्र पड़े हैं कि मुस्लिम लड़कियों के, मुस्लिम लड़कियां बोल रहे हैं कि हमारा शादी किसी गैर मुस्लिम से कराओ। हाँ, मुस्लिम ऐसा कुछ। अब तो ये हाल है अभी हमारे, ये सिर्फ यूपी की बात है, ये सिर्फ पहले ओनली यूपी बस की। बता चुके हैं ना कि ऐसा जमाना आएगा ना कि जो है जिसके पास पैसा होगा उसके पास लड़कियां जाएंगी, हाँ वो जिधर देखेंगे हाँ इनके पास पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा, उधर भागेंगे, उनके सही अंदर बात दीन है, थोड़े होगा, लड़कियां देखेंगे कुछ, तो वैसी लड़कियां तो आज जा रही हैं, आवारा करती इधर उधर कर रही, घूम अरे रही है, छोटी छोटी लड़कियों और को क्या बात। छोड़ो, ये कोई सारा अली खान करके है कोई बहुत बढ़िया है, वो जो है देखो माथे पे तिलक लगा के और जो है वो हिंदू भगवानों को मंदिरों में घूम रही है वो लड़की। अब देखो छोटे छोटे लड़कियों को छोड़ो, हमारे बड़े बड़े जो स्टार है पैसे वाली हैं वो भी हिंदू बन के घूम रही हैं। मतलब अभी वो कुछ फैशन समझ रहे हैं, उनको दीन पता ही नहीं है कि दीन है कहाँ मिला है, एक कैसे तो मिला है, दीन क्या को है पता उसका। नहीं है और जो दीन फॉलो कर रहे हैं उस पे केस कर रहे हैं। अभी हलाला वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे इस्लाम का जो है वो हिस्सा है, तो गैर मुस्लिमों को उसमें वो करने की क्या जरूरत है? हलाला हो हाँ उससे कहा लेना देना तुम्हारा, है ना, तो कोर्ट। उसमें तुम्हारा कहा ऑब्जेक्शन है, हाँ और तो इनके में जो है ना तो इनके कर लो, इनके छोड़ने का तरीका तो नहीं है, कहीं किसी को जला रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट कर दिया,
इनसे तो बेहतर तरीका हमारे में भाई हमारे ओ बेबे के नहीं निपट रहे भाई। तरीका तो एक है कि हमारा भाई तो नहीं निपट रहा, तुम अपना देखो अपना देख रहा है, जान तो नहीं लेंगे किसी की। अब देखो यहीं पर हलाला वाली जब बात आती है, तो आज से 4-5 साल पहले क्या हुआ था कि मतलब 2014 की बात है, मुस्लिम जितने भी महिलाएं थी वो सब सड़क पे आ गई थी कि मोदी जी या तो हलाला बंद करो या तो हम जो है वो इस्लाम छोड़ेंगे। ये नौबत आ गई थी हमारे यहाँ की महिलाओं की, बताओ। वो क्या है, वो बीजेपी और आरएसएस वाले साजिश होती है, कुछ औरतों को खड़ा करके ना संगठन वाले, और हाँ वो जो है औरतों को इकट्ठा करके वो जो है साजिश करते हैं, अरे साजिश ये के तो जरिए वही बात सब की होता है बात है, ये बस जो चीजें हैं ना वो इतनी उनका। है। देखो अगर ये चीजें सिर्फ कहानी होती ना, तो आज इतनी सारी मुस्लिम लड़कियां जो है वो ना गैर मुस्लिमों का हाथ नहीं थामती। उनका माइंड वॉश किया जा रहा है ये बोल के कि हलाला गलत हाँ है ये तो और 3 तलाक, बल्कि हलाला तो बहुत अच्छी चीज होती है। हलाला किस लिए बनाया गया, औरत के सेफ्टी के लिए बनाया गया हलाला, है हाँ हलाला और से आदमी के औरत की लिए सुरक्षा के लिए बनाया गया है बनाया हलाला, तो उसकी हिफाजत के लिए हलाला। गया अरे एक हलाला है। करने इसलिए वाली हुआ औरत कितनी पाक साफ होती है, काफिरों को क्या पता है इसके बारे में। नहीं, किस लिए बनाया गया ये मालूम है, अरे मैंने सब पढ़ लिया है हजरत, हाँ इसलिए तो मैं हलाला का सपोर्ट कर रही हूँ। ये इसलिए बनाया गया। बेबी को थोड़ा गुस्सा आने तलाक दे देता है, तो हाँ जैसे वो तलाक दे देता है दोबारा फिर शादी करता है, तो हाँ मतलब तलाक ना दे, ये शक्ति करो ना, जब हाँ हमारी बीबी हाँ दूसरे साथ इस डर से और क्या तलाक ना दे कि मेरी बीबी बनती जो है किसी और के साथ सो जाएगी, ये सोच के तलाक ना दे, इसलिए हलाला को बनाया गया। लोग नहीं समझते, काफी लोग। है। हाँ मतलब वो दर्द होगा कि नहीं, तो जी वो जी दर्द जो है इसलिए दिया गया है ना कि हलाला के, इसलिए कि दोबारा जो है तलाक नहीं देगा आदमी, कौन सोचा हाँ समझेगा उसके बाद वो। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। और इस चीज और में तलाक ये देखो, ये जो है नहीं वो मुसलमानों का पर्सनल है, इसमें काफिर को बोलने की कोई इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर भी कोर्ट ने इस पे दे। हस्तक्षेप किया और 3 तलाक और हलाला को बैन कर दिया। ये मुसलमानों के साथ इंसाफ है कि ना इंसाफ, ही आप ही बताओ। कर रहे हैं, लेकिन जो शरीयत के मानने वाले हैं वो अपने हिसाब से चलेंगे, उनके हिसाब से थोड़ी चलेंगे, वो कितनी भी अरे सख्ती यही कर तो ले। मसला हो गया ना कि जो शरीयत से चल रहा है उसको जेल में डाल रहे हैं लोग। कोई 3 तलाक दे दिया अपनी बीवी को हाँ तो डाल दिया उसको जेल में कि तुमने अपनी बीवी को 3 तलाक। अरे भाई शरीयत हमारा, कानून हमारे, बीवी हमारी, तलाक हम दे रहे हैं, तुम कौन होते हो हमें जेल में डालने वाले। इनका खत्म करना, दीन में जो है ऐसे मसले ला के रखो ना कि दीन जो है खत्म हो जाए, और ये देखो इसीलिए ये तो ये हो कर भी रहा है दिया। अभी, कहाँ पे हरियाणा का है, पूरे गांव का गांव जो वो है वो कन्वर्ट हो गया हिंदू धर्म में, पूरे गांव का गांव, ये हाल है गए पूरा पूरा। अरे ये तो खबर हरियाणा से, एमपी से, ये तो न्यूज आती रहती है, कभी 15 परिवार, कभी 16 परिवार, 200 लोग, 300 लोग भी जो है वो गैर मुस्लिम बन जाते हैं, ये हाल है हमारे देश का, बताओ। ईमान की कमी है ना। और हम लोग एक दो को मतलब कि वो शादी करके भगा के ले आए, वो हिंदू बन गई तो मुस्लिम बन गई, तो हम लोग खुशी मनाते हैं कि बन गई मुस्लिम, लेकिन वो लोग तो गांव के गांव कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन दीन हमारे अंदर नहीं है ना, अल्लाह ताला कहे कि जब तू दीन पर फिर जाओगे ना तो हम गैर मुस्लिमों को जो है खड़ा करके वो काम नहीं देंगे। आज ये भी तो देखो कितना आदमी जापान में, अमेरिका में और कनाडा में कितना मुसलमान हो रहा है आदमी, अरे ये सब छोड़ो आप, ये सब छोड़ो, आज हमारे पूरी दुनिया में जो मुसलमानों की थूथू हो रही है ना, किसी कौम की नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में, बताओ पूरी दुनिया में क्यों हो रही है, इसका रीजन क्या है। रीजन ये है कि अभी मैं मोहम्मद बताऊं सलाम का तो आपको, पहले बता दिया था कि ये होना है, ये सुनिए ना, स्विट्जरलैंड में कयामत की निशान। एक यूरोपीय देश है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में बुरका बैन कर दिया है, जो बुरका पहन के पब्लिक में घूमेगी उसको 92,000 रुपए का जुर्माना। ये हाल है बाहर में, हम मुसलमानों की, मैं मुसलमानों का टोपी, यहाँ तक चाइना की बात करूंगी तो, अरे वहां पे तो मुसलमानों पे ऐसा जुल्म हो रहा है ना कि आप सोचने, दाढ़ी बढ़ाने पे जो है वो वहां पे पाबंदी है, बुरका पहनने पे पाबंदी है, जेल मुसलमानों के लिए जो है उनके नस्लों को जो है इस्लाम का ना जबरदस्ती नसबंदी कर रहे हैं वहां पे मुसलमानों का। अब बताओ मतलब वो नस्ल एक जो बच्चे मुसलमान है वो अपने बच्चे भी पैदा नहीं कर सकता चाइना में। नहीं पैदा कर सकता, दूसरे दिन को पता ही नहीं चलेगा जब जेलों में खत्म हो जाए एक तो जेल में हो पैदा हो जाए जाएगा। और चाइना ने कुरान में वहां के अपना खुद का कुछ डाल दिया है कि कुरान उनके हिसाब से पढ़ो, मस्जिद उनके हिसाब से पढ़ो, यानी कि चाइना
अब देखो पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम कंट्री है और पाकिस्तान चाइना का दोस्त है, उसको आवाज उठानी चाहिए ना कि भाई तुम हमारे जो उइगर मुसलमान उनके साथ क्यों गलत कर रहे हो। लेकिन नहीं, पाकिस्तान चाइना का साथ दे रहा है, तो पाकिस्तान भी इस्लामिक मुल्क थोड़ी ना है, पाकिस्तान भी अपने फायदा देख रहा है। इस्लामिक मुल्क नहीं है, मुस्लिम कंट्री है। मेरा मानना ना, मैं तो पाकिस्तान जा भी चुका हूँ, देखा भी हूँ, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा गुमराही तो कहीं भी नहीं है। हमको तो लगता है सबसे खराब मुसलमान पाकिस्तान में। हमारे मामू भी हैं वहां पे। अच्छा रुकना 2 मिनट ना,